फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो आज हम चॉकलेट मावा बर्फी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या क्या सामान लिया है, ओनली हमने तीन सामान लिए हैं उसके लिए, और बहुत ही फटाफट इजीली बन जाएगा। तो मैंने 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 कप मैंने शुगर पाउडर लिया है जिसको बूरा बोलते हैं, और 400 ग्राम मैंने मावा लिया है। ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी कढ़ाई गैस पे रख दी है, और जो हमने मावा लिया है सबसे पहले हम इसको कढ़ाई में डालेंगे, और इसको हम पतला करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, हमारा मावा बिल्कुल पतला हो गया है। अभी इसमें हम अपना कोको पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसको लगातार चलाते हुए। तो देखिए, अच्छे से मिल गया हमारा ये, और इसको हम लगातार चलाते हुए मिला रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है चॉकलेट बर्फी, और फटाफट भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी, 100% जमेगी एकदम। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हम अपना इसमें शुगर पाउडर मिलाएंगे। तो ये देखिए, हमारा मावा ठंडा हो गया है, एकदम रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो हम इसमें हमने जो ये लिए हैं शुगर पाउडर, ये मिक्स कर देंगे। 1 कप शुगर पाउडर है, ये 200 ग्राम के लगभग था। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। मैं इसको हाथ से मिक्स करती हूँ ताकि ये ठीक से मिक्स हो जाए। आप इसको किसी बर्तन में भी निकाल सकते हैं, मैंने तो इसी में ही कर लिया। और एकदम ठंडा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी मिक्स करना है, वरना गर्म में मिक्स करेंगे तो एकदम ही पतला हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम एक प्लेट वगैरह लेंगे, या तो चौकोर प्लेट या कोई, और उसमें मिला के इसको सेट होने के लिए रख देंगे। सॉरी, उसमें डालेंगे मतलब पहले मैं। तो ये देखिए, मैंने एक डब्बा ले लिया है टिफिन, इसमें मैंने घी लगाया हुआ है, यहाँ से पूरा ग्रीस कर लिया है इसको। ये चौकोर है, आप राउंड में भी बना सकते हैं अगर आपके पास कोई ट्रे हो, चौकोर हो तो उसमें, या थाली, कुछ नहीं हो तो एक थाली लें, उसमें घी लगा लें, उसको ग्रीस कर लें ताकि अच्छे से निकल जाए और उसमें जमा लें। तो अभी इसको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, इसको पूरा डालेंगे। अब इसको मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ। अगर आपको जल्दी करना है तो इसको फ्रिज में रख लेंगे। तो चलिए, हमारा ये सेट हो गया है, तो इसको हम थोड़ा कट लगा देते हैं, पीसेस कर देते हैं बर्फी के। और आपको ये बनाने के टाइम ध्यान रखना है, अगर आप मावा घर में बनाते हैं तो उसको टाइट रखना है, जैसे कि हम इतना टाइट के आटा अपना मतलब रखते हैं, और अगर बाजार का लाते हैं तो आप उसको जब बनाते हो उस टाइम उसको अच्छे से टाइट करना है, फिर उसमें कोको पाउडर डालना है, नहीं तो आपकी बर्फी जमेंगी नहीं। और फिर आजकल के मौसम में तो ऐसे ही, मतलब बारिश का मौसम है तो जल्दी से जमती नहीं है, मतलब शुगर पाउडर डालने से तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने इसमें कट लगा दिया, अब थोड़ी देर बाद इसको हम निकाल लेंगे पूरे तरीके से जब सेट हो जाएगी। देखिए, हमारी बर्फी सेट हो गई है,
लेकिन अभी मैंने एक गलती कर दी है कि प्लास्टिक का जो लिया था कंटेनर, तो इसमें मैंने ना फॉइल पेपर लगाया ना बटर पेपर लगाया, तो इसमें थोड़ा निकालने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होगी। देखती हूँ कोशिश करके। नहीं निकल पा रही है इस टाइप से, तो मैं क्या करूँगी, एक प्लेट लूँगी और इसमें मैं गर्म पानी डाल देती हूँ। लेकिन आप अगर स्टील के प्लास्टिक के बर्तन में अगर कुछ भी जमाते हैं तो इसमें या तो बटर पेपर लगाइए या फॉइल पेपर। मैंने तो ये मिस्टेक की है, ये गर्म पानी लिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें रखूँगी। या फिर आप स्टील के में जमाते हैं तो उसको हल्का सा गैस पे गर्म कर लेंगे तो आराम से निकल जाती है हमारी रोटी। तो ये देखिए हमने प्लेट हटा दी है, उस पर थोड़ी देर गर्म पानी में रखा था। अब हम इसको इस तरीके से टैप करेंगे, ये देखिए, तो कितने अच्छे से हमारी बर्फी निकल के तैयार हो गई है। अभी इनको हम जो हमने कट लगा के रखे हुए हैं तो सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए, और एकदम सॉफ्ट बनी है। आपको ध्यान रखना है कि बनाने के टाइम जो हमारा मावा है एकदम ठंडा होना चाहिए जब इसको हम इसमें शुगर पाउडर मिलाते हैं, और जब उसको टाइट रखना है मावे को, पतला नहीं होना। अगर आप बाजार का मावा लेते हैं तो पतला होता है, तो उसको थोड़ा सा आप जब कढ़ाई में डालेंगे तो थोड़ा टाइट उसको कर लेंगे, पूरा जब थोड़ा सूख जाए तब उसमें कोको पाउडर मिलाना है। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट मावा बर्फी बन के तैयार है। ये देखिए आप इस पे ऊपर से सिल्वर पेपर जो लेके चांदी का वर्क आता है वो भी ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट वगैरह भी कुछ लगा सकते हैं। तो लीजिए इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देखिए तोड़ के भी देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट बनी है, ये देखिए हार्ड नहीं हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।